तो शेर है कि कुछ दिल पुकारते हैं कुछ जान पुकारते हैं, कुछ दिल पुकारते हैं कुछ जान पुकारते हैं, मेरे चाहने वाले मुझको दिल भर पुकार, कुछ दिल पुकारते हैं कुछ जान पुकारते हैं, मेरे चाहने वाले मुझको दिल भर पुकारते हैं, कुछ फटके राही मुझको मंजिल पुकारते हैं, तो नाम चाहे जितने कर ले ये गीत मेरा, मुझे शायरी की महफिल में साहिल पुकारते हैं। तो एक छोटी सी गजल है, उसका प्लॉट बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जो नियम कायदे रूल और सब समाज में और बहुत सारी चीजों में बने हुए होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सभी सही है और हमें वो फॉलो ही करने हैं। खास करके युवा पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको हमारे विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी रूल्स को चैलेंज करते रहना चाहिए समय समय पर, ठीक है। तो बस शब्द कुछ और हैं, आप मतलब अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, क्योंकि अच्छा शेर वही है जो शायर का खुद का ना हो, यूनिवर्सल होता है, सब अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल सकते हैं। तो बहुत छोटी सी एक गजल है, इसमें एक दो लफ्ज आएंगे, आई होप कि आप लोगों को पता हो कि एक लफ्ज है वजू। वजू के माने होते हैं नमाज पढ़ने से पहले खुद को एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, उसको वजू कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि जरा वजू कर लो, वो कहते हैं कि जरा वजू कर लो अजी भला क्यों, वो कहते हैं कि जरा वजू कर लो अजी भला क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो ना कर आया हूं। वो कहते हैं कि जरा वजू कर लो अजी भला क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो नहा कर आया हूं मैं। और एक लतीफा सुनाऊं, बड़ा जोरदार है, एक लतीफा सुनाऊं, बड़ा जोरदार है, अजी भला क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मुस्कुराया हूं, पर वो कहते हैं कि जरा वजू कर लो अजी भला क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो नहा कर आया हूं मैं। ये शोखियां ये खूबसूरती ये अदा ये अंदाज, ये शोखियां ये खूबसूरती ये अदा ये अंदाज, ये तुझमें भी है और उसमें भी, बेवफाई तो एक दफा तूने भी की है और उसने भी, ये शोखियां ये खूबसूरती ये अदा ये अंदाज, ये तुझमें भी है और उसमें भी, बेवफाई तो एक दफा तूने भी की है और उसने भी, तुमने लौट कर आने में जरा देर कर दी, तुमने लौट कर आने में जरा देर कर दी, अभी चंद लम्हात पहले ही तो उसको हाँ बोलकर आया हूँ। और वो कहते हैं अजी भला क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो ना कर आया हूँ। और निजाम ये है कि मुस्कुराओ तो जलता है जमाना, निजाम ये है कि मुस्कुराओ तो जलता है जमाना, और मुसीबत में हो तो दुनिया लुत्फ उठाती है, निजाम ये है कि मुस्कुराओ तो जलता है जमाना, और अगर गम में हो तो दुनिया लुत्फ उठाती है, मेरे लिबास जिस्म पर लगे पैबंद उधेड़ने को आमादा है सभी, मेरे लिबास जिस्म पर लगे पैबंद उधेड़ने को आमादा है सभी, अब इन्हें कैसे बतलाऊं कि अभी थोड़ी देर पहले तो सिलवा कर आया हूं मैं। और वो कहते हैं कि वजू कर लो अजी भला क्यों, अभी अभी तो नहा कर आया हूं मैं। तू नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, तो ना सही तो कोई और नहीं तो कोई और, खुश नसीब हो ऐ साहिल इश्क कई मर्तबा मयसर है तुम्हें, समझिएगा कि तू ना सही तो कोई और नहीं तो कोई और, खुश नसीब हो ऐ साहिल इश्क कई मर्तबा मयसर है तुम्हें, अब उन्हें क्या बतलाऊं, एक ऐसे गुलाब की तरह है मेरी जिंदगी कि जितनी बार खिला हूं उतनी बार ही मुरझाया हूं मैं। और वो कहते हैं कि जरा वजू कर लो अजी भला क्यों, अभी अभी तो नहा कर आया हूं। एक छोटा सा और शेर सुनाना चाहूंगा आप सब लोगों को, देखकर मतलब बहुत दिल से ख्वाहिश है कि एक शेर और सुना दूं। तो शेर ऐसा है कि हाँ माना कि रिश्तों को जस्मानी कर दिया, हाँ माना कि रिश्तों को जस्मानी कर दिया, सूखा हुआ घड़ा था, सूखा हुआ घड़ा था बारिश में रखा पानी पानी कर दिया, हाँ माना कि रिश्तों को जिस्मानी कर दिया, सूखा हुआ घड़ा था बारिश में रखा पानी पानी कर दिया, और क्या इजाजत लेनी इस जमाने से इश्क करने की, मिट्टी में दबा पड़ा सा घर मेरा, इस जमाने ने कौन सा आसमानी कर दिया।